नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य सृष्टि मिश्रा पुनः आपके समक्ष। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा हुआ हूँ। हमारे अंदर कई सारी मनोकामना पूर्ण के लिए, अपनी समस्याओं को खत्म कर लिए हम हनुमान जी के पास जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं और वहाँ शुद्ध देसी घी का दीपक जला करके हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं ताकि हमारा दुख और संकट दूर हो सके। दोस्तों, इस कलयुग में हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो हमेशा सक्रिय हैं और हर जगह व्याप्त हैं, पवन पुत्र हैं, पवन के वेग से चलते हैं। और यदि हनुमान मंदिर में आपने मन में कोई भी श्रद्धापूर्ण हनुमान जी को कुछ मनोकामना पूर्ण के लिए, यदि कोई प्राप्ति के लिए हनुमान मंदिर जाते हैं, तो आज मैं बताऊंगा कि किस प्रकार हनुमान जी की आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, सर्वप्रथम जैसे यह हनुमान मंदिर आप आते हैं, अपने मन में पवित्रता बनाए रखें, शुद्धता बनाए रखें। वातावरण में, घर में, परिवार में किसी प्रकार का यदि विवाद हो रहा हो या कोई समस्या हो आपको, उसको भूल करके मन में शुद्ध वातावरण बना करके हनुमान के मंदिर आए। आसन पर हनुमान जी को आप जानते हैं कि लाल वस्त्र बहुत ही पसंद है, इसीलिए आप देखिए मैं लाल ही आसन पर बैठा हूं। लाल आसन यदि आप ला सके तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। लाल आसन पर आप बैठ करके हनुमान जी के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएंगे। देखिए मैंने कैसे दीपक जलाया हुआ, और दीपक का मुख हमेशा जिस तरफ भगवान की मूर्ति होनी चाहिए उसी तरफ, देखिए आगे मुख है तो हनुमान जी के तरफ ही मुख होना चाहिए, और थोड़ा सा दूरियां बनाए रखें, एक हाथ का दो हाथ का दूरियां बनाए रखें और ज्योत को सामने रखें। उसके बाद धूप या अगरबत्ती आप जला सकते हैं। देखिए मैंने धूप जलाया हुआ है। धूप जलाने के बाद अपने मन में भगवान श्री राम का वास करें और उसके पश्चात भगवान हनुमान जी महाराज को आपको प्रार्थना करनी है। प्रार्थना क्या करनी है, भगवान हनुमान जी महाराज रुद्र के एकादशवें अवतार में हैं, चिरंजीव हैं, आज भी पृथ्वी पर हैं, इसीलिए आप उनको गार्जियन की तरह, अपना पेरेंट्स मानकर सारी बातें, दोनों आंखों को बंद कर, हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने होकर सारी अपनी मनोकामना, जो भी आपकी समस्या है, हनुमान जी को आप बोले और ओम हुम हनुमते नमः इस मंत्रों का आप कम से कम 108 बार उच्चारण करें और हृदय में बारंबार आप भगवान श्री राम का नाम का उच्चारण करते रहें। ऐसा दोस्तों आपको 7 मंगलवार करना है। यदि 7 मंगलवार आप दिन प्रतिदिन प्रत्येक मंगलवार को कंटिन्यू आप करते हैं तो अवश्य ही हनुमान जी महाराज आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है, और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ने से आपकी समस्याएं खत्म होती है और जीवन सुचारू रूप से चलना प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप दीपक जलाएंगे और इसी प्रकार आप धूप जलाएंगे, और मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि यदि जिस प्रकार का कष्ट है, अर्थात रोग के लिए क्या करें, दुख दरिद्रता तो दूर करने के लिए हनुमान जी की कैसे पूजा करें, अपने आप को यश मान प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हनुमान जी को क्या चढ़ाना चाहिए, किस मंत्रों का जाप करना चाहिए, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। इस प्रकार के जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।